दिन हो चुके हैं पारा शिक्षकों को और एक बड़े जो है कार्यक्रम करने की दावा कर रहे हैं कि 15 नवंबर को पारा शिक्षक जो है चट्टानी एकता का परिचय देंगे। ये तमाम जितने भी पारा शिक्षक है वह यहाँ पर लगभग 59 दिनों से यहाँ राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं और एक मांग वेतन मान का नारा लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना है पारा शिक्षक, चूंकि सरायकेला खरसावा जिला से हर दिन हर जिले के शिक्षक यहाँ पहुँचते हैं, क्या कुछ कहना है सभी शिक्षकों का, यह कुछ आप देखिए। हमारा धरना का 59 दिन हो गया और यह सरकार जो है से कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। मैं इन्हें बता दूं कि डबल इंजन की जब सरकार थी और 15 नवंबर के उनको हम हिला दिए थे तो इनको हम कबाड़ने का काम करेंगे। अगर यह सरकार नहीं सुनती है, बार बार कहती है कि आपकी मांग जायज है, आप देख लीजिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट वर्णित है कि जो भी ट्रेंड हैं और टेट पास हैं उन्हें जो है से सरकारी शिक्षक बनाया जाए। और जो तमाम जो साथी हमारे देख रहे हैं 14,042 वो तमाम तरह की योग्यता रखते हैं, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द आप हमारी मांग को पूरा करें। आपने कहा था पूजा बाद आपका काम होगा, कर्मा जो है से पूजा आपका खत्म हो गया, दशहरा पूजा खत्म होने वाला है। अगर आपने नहीं चेता तो ये रांची की तमाम धरती को हम जाम करेंगे और इसके जिम्मेवार यह झारखंड सरकार होगी जो हमसे वादा करके आई है। टेट पास जो हमारा संगठन है वह पहले से है और 100% एकजुट है और एकजुट रहेगी। यह जो है सरकार के पास भ्रम फैलाया जा रहा है, इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि टेट पास के पास चट्टानी एकता है और अपनी योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, इसलिए सरकार का बहाना चलने वाला नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वेतन मान देना होगा। क्या 15 नवंबर के बहुत बड़ी ताकत हम दिखाएंगे। जब डबल इंजन की सरकार थी हिलने डुलने लगी थी तो ये तो बेचारे सिंगल इंजन जो है से तीन पैर पर जो है से खड़ा है, इनको हम लोग उठाकर फेंकने का भी काम करेंगे अगर सरकार वादा के मुताबिक काम नहीं करती है। जिस तरह चुनाव से पूर्व गांव-गांव गली-गली जाकर संघर्ष मोर्चा निकाले थे कि 30 दिन के अंदर हम वेतन मान देने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग हर शिक्षक शिक्षिका कहीं मंदिर जाके मन्नत मांग करके निर्णय बना करके इस सरकार को लाए हैं, अपना माटी सरकार बनाए हैं, लेकिन इस माटी का सरकार अभी तक मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। जिस तरह अभी कुछ बाली हुआ है, अभी एक दो झारखंडी शिक्षक है, बाकी सब बाहरी सब भर रहे हैं। इस तरह का ये हम लोग का माटी सरकार मिट्टी में मिला दे रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारा जो वेतन मांग है अब जो आशा पूर्ण रखते हैं उसको सीधी सीधी वेतन मान देकर वो आशा रखें, आने वाला भविष्य को हम लोग आगे मुख्यमंत्री बनाते ही रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम यहीं पर रहेंगे, धरना अनशन पर रहेंगे। सरकार को सोचने चाहिए कि पिछले 59 दिनों से हम लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, स्कूल का पढ़ाई बाधित हो रहा है, लेकिन अब तक हमारी मांगों को सरकार के द्वारा नहीं माना जा रहा है। हमारा भी बाल बच्चा है, हम भी चाहते हैं घर में रहें, लेकिन सरकार के द्वारा मजबूर कर दिया गया कि अनशन को यथावत रखने के लिए कि हमें दरकिनार किया जा रहा, जबकि हम सारी अहर्ता को पूर्ण करते हैं एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए, फिर भी हमें मांगों को नहीं माना जा रहा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।